जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर गैर कानूनी राशन का जत्था पकड़ा गया है। दरअसल केशोद में मामलतदार और पुरवठा कचहरी के अधिकारियों को ये जानकारी मिली थी कि संदिग्ध राशन का जत्था होटल मधुली के सामने मौजूद दुकान में है। जानकारी मिलने के बाद केशोद के मामलतदार एसआर मेहता, साथ ही पुरवठा नायब मामलतदार एचजे कमानी और पुरवठा कचहरी की टीम की ओर से वहां पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद वहां से 5 लाख से अधिक का राशन का जत्था गैर कानूनी तौर पर पाया गया, जिसके मद्देनजर ये पूरा जत्था सीज कर इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। वेरावल जूनागढ़ हाईवे पर पीपड़ीधार नामे ओळखाती जग्यानी बाजूमां आवेली दुकानमां अनाजनो शंकास्पद जत्थो गैरकायदेसर रीते संग्रह करी अने राखवामां आवेल छे। जे बातमीना आधारे तुरंत ज अमे अमारी टीम साथे स्थळ पर पहोंची અને તપાસ કરી અને ત્યાં સલીમ અગવાન નામના શખ્સના કબજા હેઠળની દુકાનમાં ચોખાનો જથ્થો મળી આવેલ છે, જે 249 બાચકા ત્યાં હતા, એનો વજન કરાવતા કુલ 12,910 કિલો ચોખાનો જથ્થો મળી આવેલ છે, જેની પ્રતિ કિલો 39 રૂપિયા લેખે એની કુલ કિંમત 5,03,490 જેટલી થાય છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।